पहले ही महीने में 2.5 लाख की सेल करती हैं, दूसरे महीने में 5 लाख की सेल करती हैं, इसके बाद में 7 से 8 लाख रुपए की सेल करती हैं तीसरे महीने में। और देखते ही देखते झाजी अचार को पूरे देश तक को पहुंचाने का एक सिस्टम सा बना लेते हैं। इसके पीछे उनके तो रीटारगेट करके कस्टमर तक पहुंचा जा रहा है, गूगल साइट टैग लगाए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस के में आपका एनालिटिक्स हो, रीटारगेटिंग हो, कन्वर्जन हो, ये डिजिटल बिजनेस में बिल्ड करते वक्त हमें टैगिंग्स लगानी होती हैं। यूट्यूब पर बहुत से बिजनेस आइडिया देखने के बाद में अगर आपका मन भर गया है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ मैं बिजनेस आइडिया के बाद में एग्जैक्टली बिजनेस कैसे बनाया जाता है वो सिस्टम वो प्रोसेस समझाने वाला हूँ। बिल्कुल थंबनेल पर आपने सही देखा कि आखिर आप 25 लाख रुपए पर मंथ तक का बिजनेस कैसे बनाएंगे, एक ऐसी ही स्टोरी के साथ में मैं आपके सामने एक ऐसे बिजनेस को ऑडिट करने वाला हूँ जहाँ पर 2 महिलाओं ने अपना बिजनेस बनाया। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, अब से मैं आपके लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर मैं आपको वो बिजनेसेस ऑडिट करके बताऊंगा जो कि अभी शार्क टैंक में आ रहे हैं, उन्होंने कैसे करोड़ों रुपए महीने का बिजनेस बनाया है। कई ऐसे बिजनेसेस को भी हम ऑडिट करेंगे आने वाले इस पूरे वीडियो सीरीज में, जहां पर आपको समझ में आएगा कि अगर आप अपने शहर से, गांव से, कहीं से भी बिजनेस करना चाहते हैं तो आखिर आप कैसे लाखों रुपए महीने का बिजनेस बनाएंगे। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी, मैं फाउंडर हूँ कामकाज.com का। पिछले कई सालों से मैं स्ट्रेटेजी सीख रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ, साथ ही मैं अपना बिजनेस बना रहा हूँ कामकाज.com के जरिए, जहाँ से मैं एक वन स्टॉप सॉल्यूशन देता हूँ उन लोगों को जिन्हें बिजनेस करना है। बिजनेस एडवाइजर और बिजनेस जो करने वाले लोग होते हैं वो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिलते हैं। तो अभी तक आपको कामकाजी एकेडमी के बारे में नहीं पता है तो वीडियो के लास्ट में मैं उस बारे में भी बात करूंगा। तो आज मैं जिस बिजनेस की बात करने वाला हूं ये है झाजी अचार का बिजनेस। देखिए, आप बहुत सारे बिजनेस आइडियाज देख रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूं झाजी अचार के बिजनेस के बारे में। झारखंड की रहने वाली 2 महिलाएं उमा जी और कल्पना जी, जो कि दोनों मिलकर अपने बिजनेस की शुरुआत करती हैं अचार बनाने से, और झाजी अचार बनाते वक्त पहले ही महीने में 2.5 लाख की सेल करती हैं, दूसरे महीने में 5 लाख की सेल करती हैं, इसके बाद में 7 से 8 लाख रुपए की सेल करती हैं तीसरे महीने में। और देखते ही देखते झाजी अचार को पूरे देश तक को पहुंचाने का एक सिस्टम सा बना लेते हैं। इसके पीछे उनके बेटे हैं जो कि इस तरह के बिजनेस को डिजिटली बना रहे हैं। पर आप आज ये देखेंगे कि आखिर अब इनके बिजनेस में जो सेल्स है वो लगभग 25 से 30 लाख रुपए पर मंथ तक चल रही है। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा है, कौन से बिजनेस स्ट्रेटजीज ये ऑनलाइन और ऑफलाइन लगा रहे हैं, हम पूरे बिजनेस को ऑडिट करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन, जो कि एक फर्स्ट स्ट्रेटजी है इनके बिजनेस में, ये है माइक्रो निश सिलेक्शन। यस, माइक्रो निश प्रोडक्ट सिलेक्शन होता क्या है इसको हम बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए, आपने सोचा कि आपको कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाना है, अब अगर आप सबके लिए सब कुछ बनाने का सोचेंगे तो आप कभी भी किसी के लिए कुछ भी नहीं बना पाएंगे। तो उसी तरह से आप जब माइक्रो निश टारगेट करते हैं तो आप सबको छोड़कर एक कस्टमर्स की नीड को फुलफिल करते हैं। जैसे कि इनका जो प्रोडक्ट है अचार का, ये फूड इंडस्ट्री में एक बहुत माइक्रो निश टारगेट करते हुए इन्होंने प्रोडक्ट को डेवलप करा है। अब आज के समय अगर आप देखें अचार इंडस्ट्री में बहुत बड़े ब्रांड एस्टेब्लिश नहीं हैं, एक निलॉन्स करके एक ब्रांड है वही अपने बिजनेस को बना रहे हैं, उसके बाद में बहुत सारे माइक्रो निश ब्रांड्स एस्टेब्लिश हैं। तो झाजी अचार को एक घर का टेस्ट देते हुए घर जैसे पोजिशनिंग, घर जैसा अचार मार्केट में इन्होंने लॉन्च करा अपनी वेबसाइट के जरिए। तो सबसे पहले अगर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, किसी भी तरह का प्रोडक्ट आप प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, सबसे पहले ये देखिए कि वो कस्टमर्स के माइक्रो निश टारगेट करते हुए हो। नहीं तो होता क्या है, जब हम जनरलाइज प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं तो हमारे कस्टमर्स हमें कंपेयर करते हैं उन ब्रांड के साथ में जो कि मार्केट में पहले से ही एस्टेब्लिश है। तो झाजी अचार के साथ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर अचार कैटेगरी ही बहुत सिस्टमेटिकली माइक्रो निश में चल रही है। तो पहला नियम यह है इनके सक्सेस का। अब आगे चलते हैं कि आखिर बिजनेस स्ट्रेटेजी में झाजी अचार का जो आज के समय 85 लाख रुपीज की फंडिंग मिली इन्हें शार्क टैंक से, इस फंडिंग को जुटाने के लिए उन्होंने ऑलमोस्ट बिजनेस में 20 से 25 लाख रुपए की पर मंथ की सेल्स तक पहुंचे हैं, तब जाके ऐसा हो पाया है। अब आखिर हुआ कैसे है ऐसा, थोड़ा सा समझते हैं हम बिजनेस को, क्योंकि ये बिजनेस आइडिया देखकर आपका बिजनेस नहीं बनेगा, ये सब हवाबाजियां हैं जो भी आप देख रहे हैं बाहर कि आप ये बिजनेस कर लीजिए, ये प्रोडक्ट लॉन्च कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपका स्टार्टिंग का स्ट्रेटेजी, जब आपका आइडिया फेज होता है,
ये 1% है बिजनेस में, 99% आपकी एग्जीक्यूशन काम करती है कि आप कैसे बिजनेस को एग्जीक्यूट करते हैं। कई लोग बहुत बड़े बिजनेसेस बनाने की सोचते हैं, बहुत प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, एट द एंड फेल होते हैं। और कई लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं और वो सक्सेस हो जाते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस भी बना लेते हैं। रीजन क्या है इसके पीछे? इंटेंशन और एक स्ट्रेटेजी। सो अब हम समझते हैं कि इन्होंने कौन से स्ट्रेटेजीज बिल्ड करे जिसकी वजह से आज इनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आ चुका हूँ गूगल पर, और गूगल पर मैंने झाजी अचार सर्च करा। देखिए यहाँ पर आपको कुछ एक एडवर्ड सा दिखाई देगा, इसका मतलब ये गूगल एड्स चल रहा है इस वेबसाइट पर। और इस वक्त हो क्या रहा है, ये जब PPC एड बोलते हैं इसे, तो यहाँ पर जब ये चलता है तो स्टार्टिंग में ही हमें टॉप पर इनकी वेबसाइट रैंक होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैंने जैसे ही क्लिक करा, मैं आ गया इनके वेबसाइट के कैसे पेज पर, जहाँ पर इन्होंने एक सेक्शन बना रखा है प्रोडक्ट्स का। दिखाई दे रहा होगा आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आ गए हैं। ये जो मुझे इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये वेबसाइट का मेन पेज नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ मेन पेज क्या होता है और ये कौन सा पेज है। हम इसे बोल सकते हैं लैंडिंग पेज। यस, ये एक लैंडिंग पेज है जहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट करूंगा, सिंपल सा यहाँ पर एक सेक्शन आएगा जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। बाय होममेड में आपने देखा यहाँ पर हम आए हैं होम पेज पर, जहाँ बेस्ट सेलर कॉम्बोज, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बोज हमें दिखाई दे रहे हैं। कस्टमर का, कंज्यूमर का पिक्चर है फ्रंट पेज पर वेबसाइट पर। जो जो इनके पास में रेंज एंड वेरिएशन SKU अवेलेबल हैं, वो हैं यहाँ पर। उमा जी और कल्पना जी ननद भाभी लगते हैं एक दूसरे के रिश्ते में। जहाँ जहाँ ये फीचर हुए हैं वो चैनल का सेक्शन इन्होंने दे रखा है। तो वेबसाइट को एज अ ब्रांड देखा जाए तो कस्टमर एंड कंज्यूमर्स के लिए ये टारगेट कर रहे हैं, और आज मोर देन 50-60% इनका बिजनेस इसी वेबसाइट से बन रहा है। तो देखिए ऑल पिकल ट्राई सैंपल पैक्स, और इसके साथ साथ 50% कॉम्बो ऑफ। ये इसीलिए बनाया हुआ है सेक्शन क्योंकि इस बिजनेस में आप जब तक कॉम्बो नहीं बनाते हैं तब तक आपका हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं बनता है। तो कॉम्बो बनाकर हमें प्रोडक्ट को सेल करना होता है। तो अगर आप बिजनेस बनाने का सोच रहे हैं, एक प्रोडक्ट की जगह अगर आप कॉम्बो ऑफर बना देते हैं तो ऑर्डर साइज बढ़ जाती है, टिकट साइज बढ़ जाती है। इस तरह के बिजनेस को बोलते हैं डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल है जहां पर D2C बिजनेस को किया जा रहा है। ना रिटेलर है इस बिजनेस में बीच में, ना होलसेलर है, ना डिस्ट्रीब्यूटर है, ना कोई एजेंट है। कंज्यूमर को टारगेट करने के लिए सीधा वेबसाइट के थ्रू ही पिच किया जा रहा है। तो यहाँ पर एक पॉपअप आया आपको दिखाई देगा जब आप इनकी वेबसाइट पर लैंड होंगे। आखिर ये पॉपअप क्या है, इसको बोला जाता है सोशल प्रूफ। यहाँ आपके सामने ये पॉपअप जो आ रहे हैं, ये एक तरह के सोशल प्रूफ का एक मार्केटिंग टूल है, जहाँ पर आप किसी भी वेबसाइट पर इस तरह का टूल लगा सकते हैं। ये आपको एक चीट दिखाई दे रहा है, चीट बोला जाता है इसे, तो मैं इसलिए बोलूंगा चीट। बेसिकली एज अ मार्केटिंग टर्म आपको सोशल प्रूफ दिखाई जा रहे हैं कि इन्होंने ये प्रोडक्ट्स परचेस करे हैं 15 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। तो आप इस तरह का टैगिंग लगा सकते हैं जिससे कस्टमर एंड कंज्यूमर के माइंड में एक सोशल प्रूफ जनरेट होता है। जैसे सुजीत एस का बेंगलोर का यहाँ पर आ रहा है पॉपअप बार बार। अब हम देखते हैं आगे कि झाजी का और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ गूगल पे क्या बिजनेस है। तो अभी मैंने इनकी वेबसाइट को ऑडिट करके बताया है आपको। अब मैं यहाँ पर इनकी ही वेबसाइट में एक सेक्शन आपको बताऊंगा जिससे रिटारगेटिंग करी जाती है डिजिटल मार्केटिंग में। जब भी आप अपने ऑनलाइन बिजनेस में प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको ये टैगिंग, ये टूल्स लगाने होते हैं। पहले देखिए यहाँ पर, तो आपके सामने ये डिफरेंट डिफरेंट टैग्स दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये रीमार्केटिंग टैग है, ये गूगल का टैग लगा हुआ है यहाँ पर, इसके साथ साथ गूगल कन्वर्जन टैगिंग लगी हुई है, रीमार्केटिंग टैग लगा हुआ है। जैसे ही आपको भी यूट्यूब पर जाते हैं और यूट्यूब पर किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह वो दिखने लग जाती है। या किसी वेबसाइट से आकर आप जब भी नई नई वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको उसी तरह के एड्स दिखने लग जाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ, मतलब आपका एड पीछा करता है। इसको रीमार्केटिंग बोला जाता है। तो रीटारगेट करके कस्टमर तक पहुंचा जा रहा है, गूगल साइट टैग लगाए जा रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस के में। आपका एनालिटिक्स हो, रीटारगेटिंग हो, कन्वर्जन हो, ये डिजिटल बिजनेस में बिल्ड करते वक्त हमें टैगिंग्स लगानी होती हैं। ऐसा ही एक फेसबुक पिक्सल भी लगा हुआ है आपको वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करूंगा, ये पिक्सल फायर हो जाएगा और यहाँ पर बटन क्लिक ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन आ गया है ऐड टू कार्ट का कि प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट हो चुका है, नहीं परचेस करता है कंज्यूमर, तो फेसबुक पर इस तरह के ऐड दिखने लग जाएंगे पिक्सल फायर होते ही। तो जब भी आप बिजनेस बनाते हैं आपको ये याद रखना होगा कि गूगल और फेसबुक के ये टूल्स मस्ट हैं आपके लिए।
यहाँ पर सोशल प्रूफ के टैगिंग चल रही है। तो बिजनेस बनाते वक्त डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा करना है तो वेबसाइट से इस तरह से प्रोडक्ट बेचा जाता है। अब मैं आ चुका हूँ इनके गूगल वाले सेक्शन पर, जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है झाजी स्टोर करके, यहाँ पर गूगल मैप बिजनेस पर लिस्टिंग्स हो रखी हैं। तो ये गूगल एक शॉपिंग सेक्शन है जहाँ पर हम लिस्ट करने के लिए बिडिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं, तब जाके हम रैंक करते हैं। तो यहाँ से भी कई सारे प्रोडक्ट्स पिक होते हैं। अब मैं मार्केट प्लेसेस पे इनकी लिस्टिंग्स को ऑडिट करता हूँ। जब भी बिजनेस बनता है तो ट्रैफिक को लाया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जब पर्टिकुलर हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस बनाते वक्त हम ट्रैफिक को नहीं लेकर आए अपने बिजनेस में। तो ट्रैफिक मार्केट प्लेसेस से, एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म से, सोशल मीडिया से, सब जगह से ऑर्डर्स ट्रैफिक को लेकर आया जाता है। तो यहाँ पर अमेज़न पर हम चलते हैं इनके बिजनेस को ऑडिट करने के लिए, और इनके इंस्टाग्राम को भी हम ऑडिट कर लेते हैं कि किस तरह से वहाँ से भी ये ऑर्डर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए, आपको अमेज़न पर दिखाई देगा कि फर्स्ट में इनके पास में 34 रिव्यूज़ हैं और 299 रुपीज़ का ये एक 400 ग्राम्स के अराउंड ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसके अलावा 450 रुपीज़ का एक कॉम्बो पैक सेल कर रहे हैं, सैम्पल पैक, जो कि छोटा पैक होगा जिसमें चार ये प्रोडक्ट दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन दिखेगी आपको, स्पॉन्सर एड्स चल रही हैं। बेसिकली ये अभी रैंक करना चाहते हैं, दैट्स वाई इन्होंने अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर स्पॉन्सर एड लगाया हुआ है अमेज़न पर टॉप रैंक करने के लिए। तो आप जैसे ही बेस्ट सेलर प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, आपको क्या देखने को मिलता है, इनकी पैकेजिंग डिफरेंट है। पैकेजिंग को यूनिक करने के लिए, घर जैसा करने के लिए बेसिकली कपड़ा लगाया गया है और एक डोरी बांधी गई है जार के ऊपर, जिससे कि पैक अच्छा दिखे। फूड इंडस्ट्री में हमारा जितना अच्छा पैकेजिंग होगा उतना ज़्यादा हमें कंज्यूमर कस्टमर पिक करेंगे, ये बेसिकली हमारा निश होता है। तो एक ये सूखा भरुआ मैंगो पिकल है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है। 250 ग्राम और 500 ग्राम के दो SKU अवेलेबल हैं। अब मैं इंस्टाग्राम ऑडिट कर लेता हूँ इनका। लगभग 14,000 फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टाग्राम पर, जहाँ पर इन्होंने अपनी पोजिशनिंग को करने के लिए कस्टमर कंज्यूमर्स के पिक्चर लगाए हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट से कस्टमर्स कंज्यूमर और खुद की स्टोरी को ये सेल कर रहे हैं इंस्टाग्राम से। फैक्ट्स टेल स्टोरी सेल, जब तक आप अपनी कहानी नहीं बेचेंगे तब तक कस्टमर कंज्यूमर आपको नहीं खरीदेंगे। तो झाजी चारा शार्क टैंक पर आने के बाद में काफी पॉपुलर ब्रांड बना, पर उससे पहले भी इनकी कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटेजी और मार्केट प्लेसेस स्ट्रेटेजी, रीटारगेटिंग स्ट्रेटेजी कमाल की है। आज के समय ये डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल बना रहे हैं। लगभग पर मंथ आज के समय 25 लाख रुपीस तक के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। देखिए, इस तरह के बिजनेस को बनाते वक्त आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि आप जब तक डिजिटल इकोसिस्टम खड़ा नहीं करेंगे तब तक आप बिजनेस नहीं बना पाएंगे। तो आपको मैं एक सिस्टम सिखाता हूँ ऑनलाइन प्रोडक्ट को कैसे सेल करना है, कैसे आपको अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बिल्ड करना है। अभी इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना नेक्स्ट लेवल नहीं है ऑफलाइन मार्केट में, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये एक प्रीमियम मार्केट को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं ऑनलाइन मार्केट में, अपने घर से ही, अपने प्लांट लोकेशन से अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं नेक्स्ट लेवल, तो आप अपना डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करके सीख सकते हैं। क्योंकि इसमें अभी जो मैंने बिजनेस में ऑडिट करा है, बहुत सारी ऐसी बिहाइंड द स्ट्रेटजीज हैं जो कि अभी तक आपको नहीं पता है। इनके लिए बहुत सारा टाइम लगता है, स्टेप्स को कवर करना पड़ता है। जब हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं वो स्टेप्स, तो हम अपना खुद का एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करते हैं। आई होप आप समझ पाए होंगे अभी पॉइंट करें इस वीडियो में कि ये मेन रीजन रहे हैं जिसकी वजह से ये आज के समय सेल्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, कैसे आगे इनका बिजनेस चलेगा, किस तरह से स्ट्रेटजीज बनेगी। तो उसके लिए मैं आपको एक स्ट्रेटजी सिखा देता हूं। सबसे पहले इनको अपने बिजनेस में आज के समय एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क खड़ा करना होगा ऑफलाइन मार्केट में। जब ये उस तरह से चलेंगे तो वहाँ पर इनके पास में इनडायरेक्ट सेल्स चैनल पार्टनर्स बनेंगे जो कि इनको प्रॉफिट कमा कर देंगे और वो प्रोडक्ट को आगे भेजेंगे। सेकंड, इन्हें आज के समय डिजिटली रीसेलर खड़े करने चाहिए, जो कि आज भी ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं या प्रोडक्ट सेल करना चाहती हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि झाजी अचार के साथ में जुड़ सकते हैं और वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर, इनका रिसेलरशिप लेकर, और वो आगे टैग कर सकते हैं। थर्ड, ये आज के समय एक कैटेगरी और लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनका एक ब्रांड एस्टेब्लिश हो चुका है एक कैटेगरी में। तो पिकल्स के साथ सॉसेस आ सकते हैं, जैम्स आ सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको ये विलिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से ब्रांड मार्केट में ये लॉन्च करके पैसा बनाएंगे। तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे झाजी अचार आने वाले समय में और ग्रोथ कर सकता है, अभी क्या स्ट्रेटजी चल रही है इनके बिजनेस में। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो मिलता हूं मैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।